हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और आपने एक बात नोट की होगी कि टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी चाहे खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, चाहे मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर हो, वो सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए? क्यों लोग उनके बारे में एक बार फिर से बात करने लग गए, तो हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और स्पोर्ट्स की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट न्यूज होगी, वो आपको एनएन स्पोर्ट्स पर मिलती रहेगी। तो बात करते हैं एमएस धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उनके फॉलोवर्स की उनके प्रति दीवानगी देखी जा सकती है। अगर हालात सामान्य होते तो एमएस धोनी इस वक्त आईपीएल 13 में चेन्नई की कप्तानी कर रहे होते, लेकिन कोविड-19 के कारण आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से एमएस धोनी का जो वीडियो शेयर किया गया है वह कुछ ही मिनट में देखते ही देखते वायरल हो गया है। तो अब आप उस वीडियो को भी जरूर देखना चाहते होंगे, तो कितनी देर का है ये वीडियो और कहां का है ये वीडियो, चलिए वो भी आपको बताते हैं। इस वीडियो में एमएस धोनी दरवाजे से बाहर आते हुए बस में बैठने जा रहे हैं, उनके साथ चिन्ना थाली यानी सुरेश रैना भी हैं। इस वीडियो में फैंस को धोनी के लिए चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। एमएस धोनी ने दरवाजे के बाहर निकलते हुए सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के सैल्यूट का जवाब दिया और फिर अपने फैंस की तरफ अपने हाथ में पकड़े अंगूर दिखाते हुए बस में बैठ गए। फ्रेंचाइजी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, द स्वीट किंग इज हियर, सिंपली रॉक ऑन, यानी मिठाई का राजा यहां है, बेहतरीन। आपको बता दें हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वो सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे थे। इसके अलावा उनकी जो बेटी है जीवा धोनी, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें धोनी जो थे वो अपनी बेटी जीवा के साथ खेल रहे थे। धोनी का इससे पहले वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उनका हल्का सफेद दाढ़ी वाला लुक दिखाई दे रहा था। इस वीडियो से निकली फोटो के सामने आने के बाद कई लोगों ने कहा था कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी बूढ़ा हो गया है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ये धोनी है। हालांकि बाद में धोनी की मां ने कहा था कि उनका बेटा ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ है। धोनी की मां ने कहा था कि मैंने उसका नया लुक देखा है लेकिन वो ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ है। कोई भी बच्चा अपनी मां के लिए बूढ़ा नहीं होता। अगर पूरी दुनिया और हिंदुस्तान कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं जूझ रहा होता तो हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी हमें इस वक्त मैदान में नजर आते और अपनी बल्लेबाजी के वो जलवा दिखा रहे होते। एमएस धोनी लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था। इसके बाद आईपीएल में उनकी वापसी की उम्मीद थी लेकिन कोविड-19 के कारण बीसीसीआई ने लीग को टाल दिया है। हालांकि अब जिस तरह की स्थितियां बन रही है उससे लगता है कि आईपीएल को लेकर बीसीसीआई आईपीएल के लिए प्लान बना रहा है और हो सकता है कि जल्द ही इसके बारे में बड़ा ऐलान कर दिया जाए। तो आईपीएल की बात हो, क्रिकेट की बात हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी की बात हो, एनएन स्पोर्ट्स पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।